इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से पहले अपनी सेकुलर ट्रेडिशंस की वजह से और इंडिया के एक एक, एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया है बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटेंशियल स्टेप्स लिए हैं प्रॉमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द इन द एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन इसके खिलाफ इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि डजंस एंड डजंस ऑफ वेरी प्रोमिनेंट इंडियंस हैव बीन अपॉइंटेड तो वो एक और डाइमेंशन है इस, इस, आ... तो आप अगलों से तो मांगते हैं यू ही किसे अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेजने आपको मिलने आना है वो आपकी क्या इज्जत करें उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे कल पूरे देश ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया हाल के दिनों में विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका और भारत में जो घटनाएं हुई हैं वह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही हैं अमेरिका में पिछले दिनों 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर जोर हुआ और भारत में जो कल लाल किले पर हुआ हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि फिर ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को न मिले आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक देश होने के कारण विश्व में भारत को क्यों इतनी इज्जत मिलती है जबकि पाकिस्तान में जहाँ मात्र का लोकतंत्र है उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती है यह मेरा कहना नहीं है बल्कि पाकिस्तान के ही दो बड़े विचारक डॉक्टर अकबर अहमद और डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है आइए आगे वो क्या कहते हैं सुनते हैं इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से पहले अपनी सेक्युलर से, से ट्रेडिशंस की वजह से और इंडिया के एक एक उन्होंने एक, एक ब्रांड क्रिएट किया हर जगह के ऊपर गांधी की कब लगा है ना कुतबा और क्यों और क्यों क्योंकि उन्होंने दे, दे वर सक, दे सक्सेडेड कि उनके नाम को नॉन वायलेंस के साथ वो लिंक कर लिया और उन कामयाबी से लिंक यार उस गांधी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं गांधी को आम आदमी तो नहीं थे आप उनके मुकाबले में आपके जो हीरोज हैं आप नहीं कर सके तो अपनी फेलियर को आप ये ना समझें कि ये दोनों चीजों को क्लियर रखें इंडिया अमेरिका का करीबी दोस्त है मेरी टाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से आप वो देखें वो एशिया पैसिफिक इंडिया के नक्शे पे तो देखें मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहता था पाकिस्तानियों को चाहिए इंडिया के नक्शे को देखें और देखें कि उनके वॉटर्स कहाँ कहाँ हैं उनके मेरी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है ग्लोबल ऑयल ग्रुप क्या है तेल कहां से जाता है जब वो जाता है चाइना अगर एक्सपैंड करना है तो उसको कंपीट कौन करेगा उसको इंडिया कंपीट करेगा मेरी टाइम सिक्योरिटी जोन में इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस है आपकी वो इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं हो सकती अगर सारे 40-50 इंडियन अमेरिकन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से आप निकाल भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमरीका की इंडिया पॉलिसी पर यह मानना पड़ेगा पाकिस्तान को पड़े पाकिस्तान को? को इस वक्त मुसीबत की नजर में देखा जाता है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है बड़ी अच्छी फौज है वो कहते हैं ये बड़ी मुसीबत है इनके पास <laughs> भी है ये पता नहीं क्या करेंगे तो किसी अच्छी चीज में अपना नाम पैदा करें आपके अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है और आप ये कर सकते हैं अमेरिका को आप ये शो करें कि जहां पे क्राइसिस है हम अपने रीजन में क्राइसिस रिजोल्व हम करेंगे अब ये चार विजिट करने में जाए तो जहाज आपके चलते नहीं है तो आप अगलों से तो मांगते हैं यू ही अगर आप कहेंगे अगर अपना जहाज भेज दें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है वो आपकी क्या इज्जत करे उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे इनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है जिसके अंदर ही आ सकें ये जो शक है मुसलमानों के खिलाफ उनके मजहब के खिलाफ ये तो बुश ने जो रेस किया था क्वेश्चन वाई डू दे हेट अस अब ये सवाल इतना मेरे लिए तो इतना सिंपलिस्टिक और ऑलमोस्ट uh, फुलिश है लेकिन तो मतलब मुसलमानों को हमें ये चैलेंज कबूल करना है वी कांट इग्नोर अमेरिका जो भी है डिक्लाइन में है इस शक को कोई नहीं है कि एक डिक्लाइन सी शुरू हो गई है फिर भी जब अमेरिका को नजला आता है तो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया में बुखार होता है सो so ये हमें मुसलमानों को मुस्लिम वर्ल्ड को खासतौर पाकिस्तान को इसका एहसास होना है कि ये चैलेंज ओवरनाइट नहीं जाएगा बाइडन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं प्रमिनेंट मुस्लिम्स दी एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन इसके खिलाफ इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि Dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. So, वो एक और, इस, इस, आ... और आप, आपको पता एक जमाने में तो आर्मी और अमेरिका तीन एज होते थे अब उसकी जगह ए की जगह सी आ गया है अल्लाह आर्मी और चाइना आ गया है थोड़ा इसमें कॉमेंट कर दीजिए जो हसन अब्बास साहब ने कहा ना कि इन्फ्लुस कम हो गया है ख्याल है की सी नहीं आया Uh, हमने कोशिश जरूर की है लेकिन यहां बैठ के जब पता लगता है तो वो सी की बातें ज्यादा है लेकिन सी अभी भी नहीं है ए, ए से बहुत उम्मीदें हैं थर्ड ए जो है भी गया नहीं है मेरा अपना ख्याल है कि हमें अभी से जो ये जो गेस्ट वर्क है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है आ, हमें सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना है अमेरिका ये देखेगा कि अगर हमारे यहाँ जमहूरियत जो है जिस जिसके हम नाम लेते हैं अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अमेरिका टू बी ऑनेस्ट विद अस अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्लैश करेगा अब चाइना के साथ और वो देखेंगे पाकिस्तान चाइना के साथ कैसे खड़ा होता है आ, इंडिया जो है वो आ, उनका नया पार्टनर है इस रीजन के अंदर इसमें कोई शक नहीं है उस पर प्रेशर जरूर आएंगे आ, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि फॉरन पॉलिसी सवाए कश्मीर से कहीं आगे जाती नहीं है तो कश्मीर पे ऊपर चंद स्टेटमेंट्स दिला के याद के आपने ये कहा था अब क्या कहते हैं इस तरह की चीजें मेरा ख्याल फिर वही चीज है मैं मतलब बार बार ये देते हुए मिसाल बड़ा बुरा लगता है मुझे कि जो चौधरी है ना उसको आप ये नहीं पाते सकते हैं कि अब आप सिर्फ हमारे वाहिर चौधरी नहीं हमारे पास एक और चौधरी भी है ठीक है uh, और अगर तुम सामू छता तो अब दूजे चौधरी तो कोई चले <laughs> तो आमतौर चौधरी तो तो कहता है कि जाओ पुत्रो चले जाओ लेकिन वो वहां पहुंचने नहीं देता मैं बता रहा हूं बार बार मैं रिपीट करता हूँ वो रस्ते में इन्होंने बंदे खड़े होते हैं वो डांगे मार के जो है ना टांगे तोड़ देते हैं यू नो हमारे यहाँ हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं हमारी इकोनमी जो है वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है कोई शख्स जो है या कोई मुल्क किसी ऐसे मुल्क का जो अपने साथ ऑनेस्ट ना हो अपने मसाइल का अदराक जो है वो उस तरह ना करता हो जिससे करने की जरूरत है और उनको हल करने की खुद अपने पैदा ना करे उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते मुस्लिम का इशू जो है ना ये शुरू बुश के जमाने से चल रहा है जो उन्होंने कहा था वॉर ऑन टेर असल में वॉर ऑन मुसलमान वर्ल्ड और फिर ओबामा ने नाम नहीं लिया लेकिन उसको कंटिन्यू किया चाहे ऐसी ठीक है पंद्रह अगस्त उन्नीस को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान अपने अपने अलग रास्ते पर निकल पड़े भारत जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना वहीं पाकिस्तान अपने को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया भारत ने अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के दो साल के भीतर ही संविधान बनाकर लोकतंत्र की आधारशिला रखी और जनवरी 26, 1950 को यह संविधान लागू भी कर दिया गया दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लिए लोकतंत्र की आधारशिला रखने में 9 साल का समय लगा और 1956 में वहाँ पहली बार संविधान सामने आया पर इसके कुछ प्रावधानों में इतना मतभेद पैदा हो गया कि इस संविधान को भी लागू होने के पहले ही खारिज कर दिया गया और फिर उसके दो साल बाद उन्नीस में वहाँ सैनिक सत्ता स्थापित कर दी गई यहाँ यह भी बताते चले कि उन्नीस से लेकर उन्नीस तक जब सैनिक सत्ता स्थापित की गई इसके भीतर भी गैर निर्वाचित सरकार ही पाकिस्तान में शासन में थी जबकि भारत में पहला आम चुनाव उन्नीस में हो गया और तब से निर्वाचित सरकार ही आज तक सत्ता पर भारत में काबिज है पाकिस्तान में उन्नीस में दूसरी बार संविधान बना पर इसको भी लागू करने के पहले ही निरस्त कर दिया गया उसके बाद तीसरी बार उन्नीस में नया संविधान बना जो अभी लागू है पाकिस्तान में पहला आम चुनाव उन्नीस में हुआ पर इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां के अवामी मुस्लिम पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से विजयी हुए थे पर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वहाँ के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन मार्शल या प्रशासक जनरल अयूब खान से मिलकर उनको सत्ता सौंपने से इनकार कर दिए फिर क्या हुआ उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ जो अब यह इतिहास का हिस्सा है पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी पल्लवित पुष्पित न हो पाया इसका मुख्य कारण वहाँ की सेना है सेना अनावश्यक रूप से सत्ता में दखलंदाजी करती है उन्नीस से लेकर उन्नीस तक फिर 1977 से लेकर उन्नीस तक और 1999 से लेकर 2008 तक कुल 31 साल तक पाकिस्तान में मार्शल ला यानी सेना का ही शासन सीधे रूप से रहा जहां संविधान का महत्व मात्र का था जबकि भारत में सेना का कभी भी सत्ता में या शासन में दखलंदाजी नहीं रहा है केवल एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 77 तक की अवधि में राष्ट्रपति शासन लगाया था पाकिस्तान में जो आज का संविधान है उसमें वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई आदि को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है यानी उनको कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान में जाने से प्रतिबंधित किया गया है जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समानता का भी अधिकार देता है और यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम ईसाई आदि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर भारत में जा सकते हैं असल में पाकिस्तान में भले ही चुनी हुई सरकार सत्ता में हो पर पर्दे के पीछे से सेना ही वास्तव में सत्ता का संचालन करती है इसलिए पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को इलेक्टेड प्रधानमंत्री न कहकर सिलेक्टेड प्रधानमंत्री कहा जा रहा है सेना का सत्ता में दखलंदाजी न हो इसके लिए वहाँ पर एक लंबे समय से जन आंदोलन पी के बैनर तले चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा पर हमें अपने लोकतंत्र को अक्षुण रखने के लिए कामयाब बनाए रखने के लिए आज यह शपथ लेना है कि कल जो लाल किले पर घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो आज के लिए बस इतना ही आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय